तत्सादुमन्नेह असुरवर्जदेहिनं सदा समुद्विघ्नधियाम सद्गृहात् हित्वा त्वपातं गृहमन्धकूपं वनं गतः याद हरिमाश्रये तत्सादुमन्नेह असुरवर्जदेहिनं सदा समुद्विघ्नधियाम सद्गृहात् हित्वा त्वपातं गृहमन्धकूपं वनं गतः याद हरिमाश्रये वनं गतः याद हरिमाश्रये श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौड़ीय गोष्ठीपति ने बताए, ये जगत का जितना सारे आकर्षण विकर्षण का प्रभाव है, ये आकर्षण विकर्षण का प्रभाव से इमीडिएटली मुक्त होना चाहिए। ये जड़ जगत में हर वक्त अट्रैक्शन एंड रिपल्शन हर वक्त चलता है, मानसिक अवस्था। ये आकर्षण विकर्षणों का वस्तुओं से इमीडिएटली मुक्त होना चाहिए, नहीं तो पर जगत का बारे में चर्चा करना फजूल है, बेकार हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कुछ। काल बताया था, चर्चा किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी बड़ा दुख के साथ बता रहे हैं। ये देखो, हम जगतवासी को बड़ा उद्वेग दिए, अकैत्व निष्कपट हरि भजन के लिए मैं कट्टर वाणी बोलने के लिए मजबूर थे, और ये लोग गलत समझे, मेरे को दुश्मन समझे। काल ये बात चर्चा हुआ था, हम अकैत्व हरि भजन करने के लिए उपदेश किया तो ये लोग मेरे को दुश्मन समझे। कभी इसका तकदीर अगर अच्छा है ये जन्म में, नहीं तो किसी जन्म में वो लोग समझ पाएंगे। मैं कितना बड़ा उपकार करने का प्रयास प्रचेष्टा किया, सबसे बड़ा यही समस्या है। जो श्लोक दे के शुरू किया था, ये शिला प्रह्लाद महाराज जी का वचन किसका सामने? हिरण्यकशिपु का सामने। जगत में सबसे बड़ा असुर है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का सामने प्रह्लाद महाराज जी इतना सुंदर एक उपदेश रख दिया, लेकिन स्वाभाविक ये है, असुरों का साथ देवता लोगों को कभी बनता नहीं, ये स्वाभाविक है। प्रह्लाद महाराज इतना 5 साल का उम्र है, इतना सुंदर उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु दुश्मन समझ रहे हैं। हिरण्यकशिपु सोच रहे हैं कि इससे बढ़कर बदमाश कोई नहीं है, दैट इज़ द ट्रेजेडी। जो जितना बड़ा साधु बना है जगत में, वो उतना ही आक्रमण का सन्मुखीन हुए। जितना सारी इतिहास देख लो, जितना बड़ा बड़ा साधु बना, सब कोई का पीछे बहुत आक्रमण हुआ। ये माया का एक अरेंजमेंट है, प्रभाव है, ये साधु का प्रभाव सम्मान बढ़ाने के लिए होता है। हिरण्यकशिपु पूछा, तू जो गुरुकुल में जो शिक्षा तेरे को मिला, वो शिक्षा का बारे में कुछ भी कुछ बता, जो सीखा है वो बात बता। हिरण्यकशिपु कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं रखा, क्योंकि 5 साल का बच्चा है, घबरा जाएगा। तो गुरुकुल में जो तू सीखा है ये बता, क्या सीखा, कुछ शिक्षा बता दे। प्रह्लाद महाराज निडर होकर, निष्कपट निडर होकर बोलना शुरू कर दिया।
तत्साधुमन्ये असुरवर्जदेहिनं सदा समुद्विघ्नधियाम सद्गृहात् हित्वा त्वपातं गृहमन्धकूपं वनं गतः याद हरिमाश्रये। कितना बड़ा हिम्मत है, पाँच साल का नादान बच्चा है और त्रिभुवन को कपाने वाला वो हिरण्यकशिपु के सामने ये बोल रहा है बच्चा। जब पिताजी बोला तू क्या अच्छा समझता है, गुरुकुल में क्या सीखा, हिरण्यकशिपु का सामने प्रह्लाद महाराज कह दिए तत्साधु मन्ने हैं असुरवर्ज देहिनम, हे असुरवर्यो, हे असुर श्रेष्ठो, मैं तो यही अच्छा समझता हूँ। तत्साधु मन्ने हैं असुरवर्ज देहिनम, ये शरीरधारी जीवों के लिए मैं यही उचित समझता हूँ कि वो क्या करें। मैं जो ये जो समाज संसार है जिसमें हर वक्त टेंशन बने रहते हैं, सम सॉर्ट ऑफ टेंशन इज ऑलवेज देयर, हर वक्त टेंशन बने रहते हैं। प्रह्लाद महाराज कह रहे हैं कि हे असुर वर्जो, हे असुर श्रेष्ठो, मैं ये उचित समझता हूँ, तत्साधु मन्ये असुर वर्ज देहिनम सदा समुद्विघ्न धिया मसद गृहात्। ऊपर का स्टार का पोजीशन खराब हो जाए, ये दुनिया का आदमी भागना शुरू कर देते, क्या हालत है हमारा, शनिचर पकड़ा है, अब सब बिजनेस बिजनेस खराब हो रहा है, कोई सल्यूशन निकलने के लिए इधर उधर भागता है, कभी हनुमान जी का चालीसा पाठ करे, कभी एस्ट्रोलॉजर का पास जाए, कभी संतों का पास जाए, ऐसा ही। प्रह्लाद महाराज कह रहे हैं सदा समुद्विघ्न धिया मसद गृहात्, असद ग्रहों के प्रभाव के द्वारा ये जो बूढ़ा हालत पैदा हुआ, ये सब बद्ध जीवों के लिए मैं तो ये उचित समझता हूँ। सदा समद्विघ्न धिया मसद गृहात् हित्वात्पातम गृहमंद कूपम, गृहों को अंधकूप के साथ तुलना की गई। फैमिली लाइफ इज जस्ट कंपेयर्ड विथ ए ब्लाइंड वेल, वेल यू नो कुआ, तुलना किया है। हित्वा आत्मपातम, आत्मपात मतलब शरीर का पात हो जाए, कुछ भी हो जाए तो ठीक है, मंजूर है, लेकिन जब आत्मा का पतन हो जाए वो सबसे बड़ा रिमार्केबल चीज़ है, वो उससे बढ़कर नुकसान कुछ नहीं है। प्रह्लाद महाराज जी कह रहे हैं हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम गनम बनम गत हयाद हरिमाश्रय, वो बन को चले जाए, हरि का चरण में लगन लगाए, भजन करे, ये तो मैं उचित समझता हूँ, प्रह्लाद महाराज का कहना है। लेकिन हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो गया, होना ही स्वाभाविक है, असुर है, उसका सामने हरि का प्रभु, हरि का भक्ति का बारे में बोलो तो गुस्सा हो गई, वो बड़ा चिढ़ गया, एकदम मारना रेडी हो गया, मारो उसको, बदमाश कहाँ से सीखा ये सब। यहाँ एक देखने का चीज़ है, हिरण्यकशिपु को कभी पिताजी नहीं बोला, रिमार्केबल चीज़ है, ध्यान देना चाहिए। एक पाँच साल का बच्चा, बच्चा नहीं बोलना चाहिए, पाँच साल का वैष्णव, वैष्णव पाँच साल का हो, ध्रुव महाराज, प्रह्लाद महाराज, जो भी हो, पाँच साल का हो, चार साल का हो, उसको ज्ञान पूरा रहता है ना, क्योंकि वो नारद जी का शिष्य है प्रह्लाद महाराज जी। तो ये पिताजी नहीं बोला, हे असुरवर्ज देहि नाम, असुरवर्ज मन असुर कुलों में आप सर्वश्रेष्ठ है। हिरण्यकशिपु सोचा इतना बड़ा सम्मान दिया मेरे को, तमीज से बात किया, लेकिन उसको पता नहीं जो क्या शब्द यूज किया प्रह्लाद महाराज, माने आप जो असुर है असुरों में श्रेष्ठ हो, सबसे घटिया, जितना असुर कुल है वो तो रजोसिक तमोसिक है, उससे आप सबसे टॉप मोस्ट हो, वो सोचा मेरे को इतना तमीज से बात किया, सम्मान दिया, ऐसा ही है।
और एक बात ये है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये टेंशन से छुटकारा मिले जब हरिचरण में मनोनिवेश करे और वन में चले जाए, हरिचरण में मनोनिवेश करे। अब काल जो चर्चा हुआ था उसका विपरीत हो गया। काल बोला था जितना जो साधु जितना बड़ा समाज का मंगल करने के लिए अपना जीवन जिंदगी को देता है, ठाकुर जी के संबंध में, ठाकुर जी का संबंध में जगत का मंगल करना है। ठाकुर जी का संबंध नहीं रहे तो एक्स वाई मिशन का माफी कोई से सर्विस हो जाएगा। भगवत संबंध के बिना जो सेवा वो कर्म का अंतर्गत है। एक उदाहरण दे दे, जैसे भागवत में आता है आपका भरत महाराज का प्रसंग सुने होंगे, पांचवा स्कंद में भरत महाराज जी इतना बड़ा राजा है, पूरा पृथ्वी का राजा, सारे छोड़कर आ गया कहाँ, हिमालय के एक चट्टी पे, काली गंडी नदी बह रही है, चट्टी पे भजन जमा के बैठी हुए बैठा है, सब छोड़ दिया। इतना बड़ा राजा है, सब कुछ क्या कुछ नहीं है। अब जब भजन करना शुरू कर दिया, भजन तो सही चल रहा था, लेकिन ठाकुर जी तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। किसी संत महात्मा को आज तक ठाकुर जी ऐसा नहीं छोड़ा, ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। ठाकुर जी का ये स्वभाव है, सब कोई को ठोक पीट के परीक्षा करके टेस्ट में पास हो जाए तो उसको हम लेंगे, उसका पहले नहीं लेंगे। भरत महाराज जी भजन कर रहे थे, बड़ा सही, बहुत सुंदर भजन, ज्ञान मार्ग का भजन है, करते करते बहुत सुंदर, बहुत आगे भी बढ़ चुका। एक दिन अचानक एक घटना हुआ, क्या वो जानते हो, ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, सिर्फ उदाहरण देने के लिए ये बात को उठाया। एक हरिन शिशु पानी में बह रहा है, बह के जा रहे, उसको रहा नहीं गया, वो तैर के हरिन शिशु को रक्षा की और उसको रक्षा करने के लिए जो जो जरूरी थे सब कुछ किए। लेकिन अंतिम में क्या हुआ, हरिन शिशु में इसका लगन लग गया, ठाकुर जी से लगन था, लेकिन अभी ठाकुर जी से हटकर हरिन शिशु में लग गया। ये विषय का जो अट्रैक्शन है, किसी का हिम्मत नहीं इससे छुटकारा मिले, इतना अट्रैक्शन है। इसे ठाकुर जी गीता में बताया, ममो माया दुरोत्तया, मेरे माया को काट कर जाना उतना संभव नहीं। और विषय का ओर लगन लगना स्वाभाविक है, क्योंकि काल बताया था ततस्था जीव दोनों ओर देख रहे, एक ओर चिन्मय जगत का, आनंदमय चिन्मय जगत का विषय, और एक ओर जड़ जगत का जो रनक है, रनक आनंद है, इन दोनों में ऑप्शन। जीवों का अंदर में अगर भाव हुआ कि हम भी भोगेंगे एंजॉयमेंट, क्योंकि कृष्ण का अंश है, कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों का एकमात्र भोक्ता है, कृष्ण एकमात्र भोक्ता है ना, इन्फिनिटी ब्रह्मांडों का नायक है, भोक्ता है एकमात्र कृष्ण, और कोई भोक्ता नहीं। अजीव कृष्णों से आया है, इसलिए स्वाभाविक रूप जीवों का अंदर में भी भोगने का इच्छा है, स्वाभाविक है। इसलिए इस तरफ देख रहे, उस तरफ देख रहे, और कभी संत महात्मा का संग मिल गया तो हरि भजन के लिए तैयारी में लग जाए, और कभी ऐसा सुयोग नहीं मिला और माया का रनक में उलझ गया तो माया का ओर अट्रैक्शन आया। हम बोला मार्जिनल लाइन जो है ततस्था एक ठो लाइन, इसमें जीव सब है। और ये जो भरत महाराज जी भजन में आगे चले, लेकिन ठाकुर जी का ऐसा ही परीक्षा है, हरिन शिशु में मन लग गया तो शरीर छूट गया, हरिन शिशु में लगन है
इसलिए हरिन जन्म मिला। जंग जंग बाओपी शरणम भावम तजति अंते कलेवरम, सुना है ना, ऐसा ही है। और इस समय दो जन्म बेकार हो गया, उसके बाद थर्ड जन्म में जड़ भड़त होके बहुत सारे कहानी है। और एक कहानी हम बताएंगे नवास्कंद से और रोंतीदेव का। रोंतीदेव महाराज जी का ऊपर बड़ा परीक्षा हुआ, बड़ा भारी, इतना बड़ा राजा है, रियलाइज सोल, इतना बड़ा परीक्षा हुआ ऋषि मुनि का। बहुत सारे कहानी हम नहीं बताएंगे। रोंतीदेव का अंदर इतना स्टेबिलिटी है, इतना मजबूती है कि किसी वाले से उसको हिला नहीं सकोगे। कोई परीक्षा चल रहा है कम से कम 24 दिनों से, 24 दिन कंटिन्यूअस लगातार उपवास है, कुछ खाना नहीं मिला, परीक्षा चल रहा है जंगल में। और इस समय में ठाकुर जी का कृपा से एक प्लेट खाना आया, प्रसाद आया, और उस खाने में जो प्रसाद है सब बच्चा बीबी सब लेके खाने का प्रयास में है। उसी समय किसी ने आ गया परीक्षा करने के लिए, बोला हम भूखा है, हमको भोजन दे दो। तो जितना खा पाए दे दिया। द्वारा जो छातुआ सतुआ है ना, सतुआ आदि पानी जब, सो वो खाने के लिए तैयारी में है। बस और एक आदमी आ गया, मैं भूखा हूँ हमको दे दो, वो भी दे दिया। एक लोटा पानी बचा है वो पीने के लिए तैयारी में है। उस शरम एक क्या हुआ, एक डोम आ गया। डोम जानते हो ना, मड़ा को जलाता है, वो क्या हम प्यासी, हमको पानी दे दो, दे दिया। और ठाकुर जी का और प्रार्थना किया, ठाकुर जी तुम्हारा सेवा ऐसे ही हम करते रहे, ऐसा बोला, दुखी नहीं हुआ। उल्टा बोला ठाकुर जी, ये जगतवासी का जितना कष्ट है सारे कष्ट हमारे ऊपर दे दो, हम कष्ट भोगते भोगते कष्ट मिले हमको, लेकिन ये लोगों को शांति मिले, सुख मिले, ऐसा प्रार्थना किया। और रंतीदेव को सिद्धि मिल गए, सिद्धि मतलब भजन में सक्सेस मिल गया। लेकिन भरत जी महाराज को सिद्धि नहीं मिली, मेरा बात समझा नहीं, भरत जी महाराज को सिद्धि नहीं मिली, रंतीदेव को सिद्धि मिल गई। जबकि भरत महाराज जी का भजन ऊंचा किस्म का है, ज्ञान मार्ग का, ज्ञान मिश्र भक्ति, इसका कर्म मिश्र भक्ति है, इसका सिद्धि मिल गया, उसका सिद्धि मिला नहीं। किस लिए, एक उदाहरण के लिए बोलने के लिए इतना बात बोलना पड़ा। इसका कारण है रंतीदेव जी महाराज जो भी सेवा किया, जिस प्राणी सामने आया सबको सेवा किया, भगवत संबंध में किया था, वो भगवत संबंध में किया था, सबका अंदर में भगवान दिखा। लेकिन भरत जी महाराज का मिस्टेक हो गया। भरत जी महाराज ठाकुर जी का सेवा शुरू किया, लेकिन अंतिम में अटेंशन पूरा फुल आ गया कि हरिन शिशु का ऊपर। इसलिए इसका भजन ऊंचा मार्ग का होने से भी ये भजन में सिद्धि नहीं मिली। ये रहस्य है और कुछ नहीं है। हिरण्यकशिपु अभी उसको डांट रहा है क्योंकि वो हरिभजन का बारे में बता रहे हैं। और प्रह्लाद महाराज कह रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि निर्जन स्थान में जंगल में चले जाओ और हरिभजन के लिए तैयारी हो जाओ ठाकुर जी के चरण में, तो सारे समस्या खत्म। लेकिन काल बताया था जो साधु भगवत संबंध में जगत का जितना सारा मंगल करने के लिए तैयार है उतना बड़ा साधु है। दो दिन से श्लोक बताया ना, प्रह्लाद महाराज निसिंह भगवान के सामने बोल रहे हैं कि हम इतना सारथी नहीं है कि हम अकेला अपना मंगल के लिए चले जाए या दुनिया मरे, ऐसा सारथी मैं नहीं हूँ। इसीलिए आपका चरण में ये प्रार्थना है, ये जो असुर बालक लोग है ये बेसहारा है, आप तो एक ही पूरा जगत का तो एक अपी सहारा हो ना, तो आपको ये सबको कृपा करना पड़ेगा। यही तो बताया था ना, ये लोगों को पूरा कृपा करो। ज्यादातर संत लोग जंगल में चले जाए, निर्जन में चले जाए, कोई समस्या ना हो, कोई हंगामा ना हो,
लेकिन भगवत सेवा में जितना हंगामा हो उतना ही मंगल है, भगवत सेवा में जितना ही रुकावट आए उतना ही मंगल है। क्यों? बोले रुकावट आने का साथ साथ हमारा परीक्षा भी हो जाए, इसमें सुविधा होगा। और भगवत सेवा में ये परीक्षा जरूरी है, नहीं तो प्रहलाद महाराज जी जो कह रहे हैं और काल जो बोला था इसका बारे में थोड़ा कंट्राडिक्शन हो रहा है। प्रहलाद में जो जंगल में चले जाओ और आप बोल रहे हो कि जितना समाज का आदमी को मंगल करने का प्रयास में लगो, ये बोल रहे हैं ना। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता दिया जब वन में जाने का मतलब क्या है। वो लोग समझता है वन में जाने का मतलब जंगल में चले जाओ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुद उद्धव जी को बताए वन में जाने का मतलब है वनम तु सत्यकम वासम, वनम तु सत्यक वासम। राजसम ग्राम उच्चते, ये जो बताया भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को वनम तु सत्यकम वासम राजसम ग्राम उच्चते हैं तमसम दूत सदनम, जहाँ जुआ चूरी सब चल रहा है वो तामस वास है, राजस वास ग्राम में वास है। माइंड माइंड जो है कंटेमिनेटेड माइंड, विषय लेके ग्राम में रहना ये राजस वास है। और वनम तु सत्यकम वासम, वनम वास मतलब संत महात्मा का साथ एक साथ रह के हरि कीर्तन हरि कथा में जिंदगी को बिताना। वनम तु सत्यकम वासम, ये सात्विक वास का व्याख्या विश्वनाथ चक्रवर्ती किया है, संत महात्मा का साथ बैठ के हरि कथा हरि कीर्तन में लगे रहो। भक्ति में ठाकुर भी ये बताया साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जीनित यार कोनो वस्तु न। बंगला समझते हो थोड़ा थोड़ा। भक्ति में ठाकुर जी ने बताए साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय। और ब्रह्मा जी ने दसवां स्कंद में भी बताया हम साधुगणों का सामने रहकर हरि कथा कीर्तन सुनते सुनते अपना जिंदगी को गुजारे। ब्रह्मा जी ने बताया संत महात्मा का सामने रहते हुए हरि कीर्तन हरि कथा सुनते रहे और जिंदगी को बिताए, इसको सात्विक वास। इसका बारे में बोला है तो जे जंगल में जाके हरिचरण में मनोनिवेश करो, मतलब साधु संघ में रहो। आज कंक्लूजन ड्रॉ करना है जो कुछ भी चर्चा हुआ है फाइनल। एक बात ये है परम सत्व वस्तु का चर्चा अगर हुए, वो परम सत्व वस्तु का बारे में हमारा कुछ जानकारी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। एब्सोल्यूट का बारे में अगर चर्चा होना शुरू हो जाए किसी जगह किसी महात्मा का मुखारविंद से, वो हम समझ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि एब्सोल्यूट का बारे में समझने के लिए मिनिमम एक क्वालिफिकेशन का जरूरी है, समझा नहीं मेरे बात। एब्सोल्यूट का बारे में किसी संत महात्मा का मुखारविंद से अगर चर्चा होने हो रहा है तो होने का साथ साथ हम समझ जाए, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि वो समझने के लिए मेरा कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन का जरूरी है। किसी व्यक्ति ने बहस किया, महाराज आप अगर समझा सकोगे तो समझेंगे। किसी व्यक्ति ने बहस किया, महाराज अगर आप अगर समझा सकोगे तो हम समझ जाएंगे, व्हाई नॉट। और ठीक है, हम समझा सके तो आप समझ जाओगे, है ना। अभी अगर अप्लाइड फिजिक्स के बारे में बात करना शुरू कर दे तुम समझोगे? बोले महाराज ये तो समझेंगे तो बोले तुम्हें बोला। तुम्हारा जो जितना प्लेटफॉर्म है जितना बैकग्राउंड है उसका ऊपर बेस करके आपका नॉलेज को कैचिंग पावर होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो एब्सोल्यूट का बारे में अगर चर्चा हुए तो हमारा समझ में आ जाए, ऐसा कोई बात नहीं। उसका लिए एक चीज़ का जरूरी है, वो चीज़ क्या है न, एक पक्का संत महात्मा का गुरु वैष्णव का कीपा मिले।
नहीं तो ये आएगा लेकिन 100% समझ में आना संभव नहीं है। और जहाँ भी ये अपराकृत जगत का विषय में चर्चा होता है, आजकल कितना होता है तुम पता नहीं, पहले तो बहुत, जहाँ भी अपराकृत विषय में चर्चा हुए वहाँ आक्रमण जरूर होगा। दो एक उदाहरण हम दे दे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर राजा मनिंद्र चंद जी ने बुलाया था। राजा मनिंद्र चंद जी प्रभुपाद को बुलाया, प्रभुपाद उधर गए, सभा में बैठे। अब जब चर्चा शुरू किया 5-7 मिनट बोला नहीं, संग सम चिल्ला के सभा में जितना सारे बदमाश बैठा हुआ था, पंडित का रूप में साधु का रूप में जितना बदमाश है, सारे चिल्लाना शुरू करे, बंद करो हम सुनना नहीं चाहते। हो गया, पोपात को बोलने नहीं दिया, पोपात बंद कर दिया। बंद करके सभा से उठकर आ गया मंदिर में, 3 दिन बिना पानी बीना भोजन रह गया। 3 दिन बाद मायापुर नवद्वीप धाम में पहुंच, समझा मेरा बात, 5-7 मिनट भी बोलने नहीं दिया। और एक घटना बोले, प्रभुपाद जी पुरुषोत्तम धाम में हरिदास ठाकुर का जो समाधि मंदिर है, समाधि मंदिर के सामने एक भजन कुटीर था, भक्ति विनोद ठाकुर ने बनाया था, अभी चैतन्य मठ बन गया, उधर चैतन्य मठ का शाखा मठ है। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृतों के बारे में व्याख्या शुरू किया, पहले भक्ति विनोद ठाकुर व्याख्या शुरू किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए, हम 4-5 दिन के लिए कलकत्ता जा रहा है, तो ये चर्चा आप आगे बढ़ाओ चैतन्य चरितामृतों का। जब चैतन्य चरितामृत का व्याख्या शुरू किया, जितना सारे सहजिया बदमाश है प्रभुपाद को मारने के लिए तैयार हो गया। बोले मंदिर का बाहर निकल काट के फेंक देंगे, समझा, क्यों? प्रभुपाद जी अपराकृत विषय के बारे में बताना शुरू कर दिया, और ये लोगों का सुनने का हिम्मत नहीं है, इसलिए मारने का तैयारी में था। इस बीच में भक्ति विनोद ठाकुर आ गया। भक्ति विनोद ठाकुर बोले, आप चर्चा चलाओ, जब भी हम आ गया आप चर्चा करो, हम अंदर में हैं। भक्ति विनोद ठाकुर चर्चा सुने, इसके बाद विमला प्रसाद अर्थात प्रभुपाद को बताएं, आज हमको समझ में आया क्यों इतना आदमी गुस्सा हो गया आपका ऊपर, कि इतना कठोर सत्य वचन किसी ने नहीं बोला आज तक, अब ऐसा ही बोलना। वो आक्रमण करने के लिए आ रहा है, आपको पुरुषोत्तम धाम में रहने का दरकार नहीं, ये लोग बदमाश है संतों का वेश में, आप सीधा चले जाओ मायापुर धाम नवद्वीप धाम, और करोड़ों नाम यज्ञ शुरू कर, सतकोटि नाम यज्ञ शुरू किया, उसका नाम है चैतन्य मठ अभिवा चंद्रशेखर आचार्य भवन। एक कहानी याद हो गया, एक लड़का एक डॉक्टर बुलाने के लिए गया, ध्यान से सुनना विषय को, नौजवान लड़का है, एजुकेटेड लड़का है, लेकिन फिर भी भूखा है। रात को पिताजी का बुखार ज़्यादा चढ़ गया और डॉक्टर के पास दौड़ा, पिताजी है बीमार पड़ा, वो जाके डॉक्टर जी को घर से बुला के लाए, रिक्वेस्ट करके, आप आओ मेरा पिताजी मरने वाला है, अब आप कृपा करके आ जाओ, डॉक्टर का फीस है जितना, रात का टाइम में आ रहा है सब। डॉक्टर आया, पिताजी को चेकअप किया, थोड़ा मेडिसिन आदि थोड़ा परहेज लिख दिया, उसके बाद बोला, जब आप ये सब दवा चलाते रहो, उम्मीद है विश्वास है वो ठीक हो जाएगा। और वो लड़का डॉक्टर के साथ बहस करना शुरू कर दिया, डॉक्टर जी आप जो पहले का डॉक्टर ये दवा दिया था बहुत अच्छा दवा है, एक काम किया आप क्यों काट दिया, नया दवा क्यों दिया? डॉक्टर जी बोला, अरे कौन डॉक्टर है, तुम डॉक्टर है क्या? हम डॉक्टर, आप डॉक्टर है तो हम जो उचित समझा वही दिया, मतलब हम जो फीस दे रहे हैं आपको। डॉक्टर बोला, तुम फीस दो जो कुछ दे, लेकिन हमारा बात तो इधर चलेगा, तुम्हारा बात तो नहीं चलेगा ना, इसलिए संत महात्मा को प्रणामी दो, कुछ भी दो ना, दो मास्टर को
या तो डॉक्टर को, तुम्हारा बात नहीं चलेगा, समझा मेरा बात। यह अगर समझ गया तो कभी ऐसा नहीं बुद्धि आएगा कि साधु महात्मा किसी का नुकसान के लिए ऐसा बोल रहा है, ऐसा विचार नहीं आएगा ना। बाकी तो हर वक्त ऐसा चलते ही रहता है। प्रहलाद महाराज जी जब ऐसा बताया, हिरण्यकशिपु बड़ा गुस्सा होके उसको मारने का तैयारी में। आज भी समाज में ऐसा ही हालत है। असुर लोगों का कभी इच्छा ही नहीं है अपरागित जगत का बारे में चर्चा हो, आदमी लोगों को जानकारी हो जाए, कोरा मंगल हो जाए, इसे चर्चा बंद कर दो। ऐसा नियम चल रहा है। काल बताया था जे एक साधु महात्मा, पोपा जी ने बताए थे जे एक साधु का मतलब है अप्राकृत साउंड बॉक्स, समझा मेरा बात। संत महात्मा मतलब है अप्राकृत साउंड बॉक्स, ऊपर का साथ कनेक्शन है, इसलिए अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म उतार के आ रहे हैं जवान पे, और वो लोग अप्राकृत जगत का विषय में बता रहे हैं। नहीं तो जड़ जगत का कोई आदमी अप्राकृत जगत का विषय में चर्चा करे, ये संभव नहीं। संभव है का? कभी संभव नहीं। अभी प्रहलाद महाराज जी का जो विषय है चर्चा करते करते आया, ये साधु महात्मा जो है वो क्या है, अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का आधार, आधार जो है अपने वो लोग प्रचार करता है, आचरण के द्वारा प्रचार करता है। ये शब्द ब्रह्म जो है कभी बृहद मृदंग का रूप में, बृहद मृदंग मतलब मैगजीन आदि राइटिंग्स। और प्रभुपाद बोलते थे एक पक्का संत महात्मा जीवंत मृदंग है। प्रभुपाद बोलते थे ये भाषा, एक पक्का संत महात्मा वो जीवंत मृदंग है, वो जहाँ भी रहे वो बाधित होते रहते हैं, उसका म्यूजिक चलते रहते, अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का साउंड निकालते रहते हैं, ये नियम है। हमारा सामने बहुत सारे संत महात्मा आता है। अब काल परसों ये चर्चा किया, किसका कैसा स्थिति है ये सबको समझ में नहीं आता है, कोई समझता नहीं उसका स्थिति क्या है, इसका स्थिति क्या है। प्रभुपाद जी जब मायापुर में चैतन्य मठ स्थापन किए, उस समय जब धाम परिक्रमा आदि का व्यवस्था किए ना, धाम परिक्रमा का व्यवस्था क्यों किए प्रभुपाद, क्योंकि धाम परिक्रमा का द्वारा हजारों हजारों आदमी का मंगल हो सकता है। ठाकुर जी जो कृपा नहीं करना चाहता है, ठाकुर जी का धाम बलदेव तत्व है ना, ठाकुर जी का धाम ज़्यादा कृपा कर देते हैं, इसलिए धाम का परिक्रमा, हजारों हजारों आदमी का परिक्रमा का व्यवस्था आदि पोपा जी ने किया, हजारों हजारों आदमी का परिक्रमा का व्यवस्था सब किया। जब परिक्रमा पार्टी नवद्वीप शहर में, पोड़ामातला, जिसको पोड़ामातला बोलता है ना, वहाँ पहुँच गया, उस समय में वहाँ का जितना सारे बदमाश लोग है वो लोग मारना शुरू कर दिया, इतना बड़ा बड़ा पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, बहुत लोग घायल हुआ। पोपात को काटने के लिए, मारने के लिए तैयार हुआ, किसी भी हालत से पोपात को किसी का घर में घुसाकर लॉक कर दिया गया, समझा। और परम पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज ने क्या की, मारने के लिए प्रभुपाद को तैयार हो गया, उस समय में प्रभुपाद को एक बिल्डिंग का अंदर में घुसाकर लॉक कर दिया गया। और विनोद बाबू, जिसका नाम है विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का जो बेस है, ड्रेस है, उसको चेंज करके
प्रभुपाद का वेश खुद लगाया और अपना वेश प्रभुपाद को दे दिया करके बाहर निकाल दिया। जैसे रामानुजाचार्यों को मारने के लिए कृमिकंठ हो तो यार हुआ था रामानुजाचार्य जी को मारने के लिए खून कर देंगे। और कुरेश उसका शिष्य है गुरु जी को छोड़कर खोद गया, परिचय दिया हम रामानुज है, विचार किया। उस समय में विचार हुआ था कृमिकंठो जो है वो हार गया और कुरेश का जो दो आंखें हैं उसको उखर लिया गया, उखर दिया, अंधा बना दिया। कुरेश उसी अवस्था में गुरुजी बोल के चिल्ला रहा है। बाद में गुरुजी का पास पहुंचा, गुरुजी कृपा किया, फिर पुनः दृष्टि मिल गया। केशव कोशी महाराज ऐसा करके प्रभुपाद को पार कर दिया था। इतना बड़ा बड़ा सब आक्रमण हुआ, किस लिए हुआ? क्योंकि प्रभुपाद अप्राकृत जगत का बारे में निष्कपट सत्य वचन बोल रहे हैं, इसीलिए, और कोई कारण नहीं। प्रभुपाद अप्राकृत विषय का बारे में कीर्तन कर रहा है, इसमें उसका मार्केट खराब हो जाएगा, मार्केट खराब हो जाएगा, इसलिए वो चिल्ला, इसलिए मारने के लिए पूरा आदमी को घायल कर दिया। इसके बाद न्यूज़पेपर में आया, सारे आदमी प्रभुपाद को रिक्वेस्ट किया, प्रभुपाद थाने पे डायरी किया जाए, एक डायरी किया जाए। प्रभुपाद जी ने क्यों, क्या दरकार है? बोले ये लोग आक्रमण किया, ऐसा बदमाशी किया। प्रभुपाद बोले देखो ये लोग तो आक्रमण किया है लेकिन इसमें मेरा फायदा हुआ है, गौरी मठ का नाम और ज़्यादा फैल गया, क्योंकि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना कितना खर्चा है और वहाँ कितना सारे न्यूज़पेपर में आ गया जो गौरी मठ का ऊपर इतना आक्रमण हुआ था। प्रह्लाद महाराज जी का कहना है ये जितना सारे संत महात्मा हैं ये अपराकी जगत का वाणी का धारक वाहक है, ये अपराकी जगत का वाणी को सुनना चाहिए, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। दीक्षा लेके हरिनाम दीक्षा आदि लेके और दीक्षा का बारे में समझा नहीं कुछ, हरिनाम कैसे किया जाए समझा नहीं, तो धीरे धीरे अमंगल का रास्ते में चले जाए, कोई लाभ नहीं। जितना सारे मठ मंदिर प्रतिष्ठा हुआ है सारे चैतन्य महाप्रभु का अपराकृत वाणी का प्रचार प्रसार के लिए हुआ है, प्रचार प्रसार के लिए हुआ ना, चैतन्य महाप्रभु का वाणी का प्रचार प्रसार के लिए ये सब जो अपना जीवन जिंदगी को देने के लिए तैयार है वो लोगों को गौड़िया मठ का मेंबर माना जाता है। पोपा जी ने बताए जो ये जड़ समाज का एक एक आदमी को रक्षा करने के लिए गौड़िया मठ का एक एक मेंबर सदस्य है अपना गैलन्स ऑफ ब्लड जितना सारे खून पसीना देने के लिए तैयार हो तो तुम गौड़िया मठ का हो। प्रभुपाद जी ने बताए अगर तुम ये जड़ समाज का बद्ध समाज का मंगल के लिए अपना जितना सारे खून है देने के लिए तैयार हो तो आप गौरिया मठ का हो, नहीं तो आप गौरिया मठ का नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास आंगन में, श्रीवास आंगन जानते हो, चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास आंगन में आज से 550 साल पहले संकीर्तन यज्ञाग्नि का प्रज्वलन किए। आज से 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जी ने इस श्रीवास आंगन में अपराकृत संकीर्तन यज्ञाग्नि का प्रज्वलन किया। संकीर्तन यज्ञाग्नि, ये संकीर्तन यज्ञाग्नि आज भी चल रहा है गौरी मठ के द्वारा। ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में जो जो व्यक्ति गौरी मठ का अपना जीवन को देने के लिए तैयार है ये लोगों को बताया गया गौरी मठ का सदस्य है, मेंबर। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने काल बताया था हम जो किसी राजसिक तामसिक व्यक्ति के द्वारा जो सोसाइटी गठन होता है इसमें कोई आदर्शवान शिक्षा जगत में प्रचार प्रसार नहीं हो पाता,
और उल्टा हो जाता। इसके द्वारा क्या होता है, समाज का आदमी घृणा करता है, गाली देता है, उल्टा हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा प्रहलाद महाराज कितना बड़ा प्रचारक हिरण्यकशिपु का सामने, उसका बाद देखो नौविधा भक्ति का बारे में बताया। नेक्स्ट टाइम जो अब हिरण्यकशिपु के पास दोबारा लाया गया, पहले तो गुस्सा किया, दो शिक्षक है संडो और अमर को, उसको बड़ा गुस्सा दिखाया, किसने सब सिखाया ये बच्चा को। तो संडो अमर को बोला हम लोग तो नहीं सिखाया ये सब, कहाँ से सीखा पता नहीं। नैसर्गिक यम मतिरस्य राजन, हे राजन हमारा ऊपर गुस्सा मत करो, ये बच्चा का स्वाभाविक ये वृत्ति है। और जो संडो अमर को जब पूछा कहाँ से मिला ये तेरा शिक्षा, जो शिक्षा तू राजन राजा का सामने बताया, कहाँ से मिला, किसने दिया, प्रहलाद महाराज जी ने हाथ जोड़ के बताया, मोतीर्न किसने परतो शतोबा मिथो विपदे तो गृहो व्रतानम आदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चोरवितो चार बनानम मोतीर्न किसने परतो शतोबा। शिक्षक, दो शिक्षक है, बोला देखो अपना प्रयास से व किसी समाज का किसी का प्रयास से ठाकुर जी का ओर मन नहीं जाता जाता। मोतीर न किसने परतो सतोबा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी हालत से ठाकुर जी का चरण में तुम्हारा मन नहीं जाने वाला। मोतीर न किसने परतो सतोबा मिथो विपद दे दो गृह व्रतानम, गृहव्रत व्यक्ति, गृहव्रत किसको बोला जाता है, जो संसार का चिंता में हर वक्त डूबे हुए हैं इसको गृहव्रत बोलता है। जो गृहस्थी में जिसका व्रत है, गृहस्थी में जिसका व्रत है वो गृहव्रत है। संकीर्तन में जो व्रत रखा है वो संकीर्तन व्रत, समझा मेरा बात। प्रहलाद महाराज जी ने बोला किसी भी हालत से ठाकुर जी का मन में, ठाकुर जी का चरण में मन चले जाए ये संभव नहीं, उतना इजी नहीं। मोतीर न किसने परतो सतोबा मिथो भी पद दे तो गृहव्रतानम, गृहव्रतो व्यक्तिगणों का मन ठाकुर जी के चरण में चले जाएगा जल्दी, ऐसा संभव नहीं। बोले क्यों, बोले जैसे जे सुख समाज संसार में मिल रहा है वो सुख भोगते 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 फिर भी वो बोल रहा है, बोल नहीं रहा है कि एनाफ ऑफ इट, जतेष्ट हो गया बोलता है। इसका उदाहरण दिया प्रहलाद महाराज जी, पुनः पुनः चोरवित चरवानम, जैसे कुत्ता को बहुत दिनों से खाना नहीं मिला, दो दिनों से वो एक मैदान में पड़ा हुआ एक प्राणी का हड्डी पड़ा हुआ था, वो कुत्ता ने वो हड्डी देख लिया और बोला बड़ा अच्छा खाना मिल गया, बोल के हड्डी को चिवा रहा है। उसको जानकारी नहीं है कि सूखा हड्डी का धक्का से उसका खुद का जो मुख है उससे खून निकल रहा है, और वो सोचता है वेरी टेस्टफुल, वो सोच रहा बड़ा टेस्टफुल है, लेकिन अपना ही मुख से खून निकल रहा है वो, उसका टेस्ट आया लेकिन वो सूखा हड्डी है उसमें कुछ नहीं है, वो सोचता है बड़ा अच्छा। प्रहलाद महाराज जी यू उदाहरण दिया, मोतीर न किसने परतो सतोबा मिथो विपद्ये तो गृहव्रतानम, गृहव्रत व्यक्तियों का मन अपना प्रचेष्टा व समाज का किसी का प्रचेष्टा से भगवत चरण में लगन लग जाए ये हो, ये क्वाइट इम्पॉसिबल, संभव नहीं। क्योंकि ये लोगों क्या है, एक ही किस्म का सुख डेली एंजॉयमेंट कर रहा है फिर भी उसका विरक्ति नहीं पैदा हो रहा है। जब तक समाज संसार का भोगों में विरक्ति नहीं आ जाए तो उसको
बोलता है वो संसार को अंधकूप, गृहमंदकूपम बोला ना। अब एक उदाहरण दे दे, परम पूज्यवाद भक्ति दे तो माधव गोस्वामी महाराज का बहुत दिन पहले का बात है। उस समय प्रभुपाद जी का परिक्रमा, प्रभुपाद चले गए जगत से, परम पूज्य भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज परिक्रमा शुरू किया, ब्रजमंडल परिक्रमा। वो परिक्रमा में हमारा गुरुजी भी मौजूद थे, शिला भक्ति प्रमोदपुरी के श्री महाराज, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ के श्री महाराज सारे। उस समय परिक्रमा का ऐसा अवस्था, ऐसा विधान, जब परिक्रमा करते करते एक वन से, बारह वन है ना, एक वन से दूसरा वन जाए और उस वन में रुक जाए और अपना सामान फमान जो है वो बैलगाड़ी में जाके इकट्ठा कर दिया और यात्री लोग सब पैदल गया, जाके फिर उस गांव में रुका, फिर उसका बाद दोबारा चलना शुरू कर दिया। सुबह में रसोई हुआ किसी जगह, भोजन पानी किया, रात को रुका है। उस जमाने में कुछ फैसिलिटी सुविधा नहीं था, इसलिए एक एक जंगल में टेंट जानते हो ना, एक टेंट बन के तांबू लगाकर जातियों का व्यवस्था हुआ करता था, रहो अपना विस्तार आपे और खाना पीना मिलेगा, और जंगल झाड़ी बाहर में जाओ, उपाय तो नहीं है। उस समय में डाकात का भी बड़ा प्रभाव, यात्रियों को बस डाका डाके सब गोली मार के सब ले जाएगा ऐसा। उस समय में हमारा एक बड़ा ज्येष्ठ गुरु भाई, मतलब श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का गुरु भाई पर्वत महाराज, वृंदावन में दान घाटी में उसका मठ है, पर्वत बाबा सब ब्रजवासी जानते हैं। पर्वत महाराज और दो चार नौजवान बंदूक लेके पूरा टेंट का ओर पहलदार, रात को कोई ना आए, कोई लूट मार ना हो जाए, इस अवस्था। और रात को सब सो गया, इस बीच में एक बुढ़िया रानी, बुढ़िया को पानी का जरूरत, पानी खत्म हो गया, किसी को बोला नहीं, खुद पानी का डब्बा लेकर उधर चला गया। कहाँ? कुएं का सामने, कुएं का सामने जाकर बड़ा बाल्टी है, रस्सी देके उधर दे दिया। देखे जब खिंचने का टाइम में अचानक वो जगह पिसल था, बाल्टी भी गया और बूढ़ी भी वो कुएं पे गिर गई, कुएं का अंदर गिर गई। जाके एकदम किसी को पता नहीं, बूढ़ी अंदर में मर रही है। इसी बीच में एक ब्रह्मचारी, ठाकुर जी का क्या कृपा है, गुरु वैष्णव का सम्मान तो रक्षा जरूर करे ठाकुर जी, एक ब्रह्मचारी पानी के लिए उधर पहुंचे। उधर जब पहुंचे देखा अंदर से कोई आवाज आ रहा है, बस जंगली जानवर हो सकता, गिर गया। टॉर्च लगाया कि देखिए एक बूढ़ी, हल्ला मच गया। उसका बाद सारे आदमी, गांव वाले सब चिल्लाया, गांव वाले आया, किसी भी हालत वो बूढ़ी को पानी से उठाया, अंदर से पानी निकला गया, ठाकुर जी का कृपा से बूढ़ी बच गया। वनम गत यद हरिमाश्रयेत, उसका पहले क्या बोला था प्रहलाद महाराज, हित्वात्पातम गृहमंद कूपम। सुबह में जब आरती हुआ, अभी परिक्रमा शुरू कर देंगे, चालू परिक्रमा, उस समय परम विजय भक्ति युद्ध माधव गोस्वामी महाराज एवं श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज सुंदर एक प्रवचन दिया। सुबह ये जो घटना रात को हुआ, भक्ति युद्ध माधव गोस्वामी महाराज जी ने बताया, देखो एक बात ध्यान दे के सुनना, ये जो रात को ये घटना हुआ और ठाकुर जी का कृपा से बूढ़ी का रक्षा भी हो गया। परम विजय माधव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि अगर ये कुप अंधाकूप होता तो सबको को मालूम है अंधाकूप, पानी नहीं मिलता, कोई जाता ही नहीं, और बूढ़ी का उद्धार होना संभव नहीं था।
अगर ये कुप अंधा कुप था, सबको मालूम है अंधा कुप का कोई नहीं जाए, पानी तो नहीं मिलेगा, तो जाने वाला नहीं है, तो बुढ़िया का उद्धार संभव नहीं। ठाकुर जी का कृपा से वो कुआं में पानी मिलता है, पानी का खोज में कोई गया तो मिल गया। परम माधव गोस्वामी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, देखो ये सारे जो संसार है, सारे जो संसारी व्यक्ति है, और जिन संसार में संत महात्मा का स्वागत नहीं है, ठाकुर जी का भजन नहीं है किसी भी हालत से, वहाँ अगर कोई किसी आदमी का पतन हो गया, अमंगल हो गया, कोई संत महात्मा तो जाता नहीं कि उधर सम्मान नहीं करता, समझा मेरा बात। जिस संसार में संत महात्मा का सम्मान होता है वास्तव, वह संत महात्मा कभी गया अमंगल देखा तो उसको कोई उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद उसका उद्धार कर दिया, ये हो सकता है। परम माधव गोस्वामी महाराज ने बोला ये अगर ये कुआ अगर अंधकूप होता, गृहमंद कूपम जो बोला प्रहलाद महाराज, गृहमंद कूपम, ये अंधकूप सदृश एक गृह जिसका है उसे भागना चाहिए, उसमें रहो तो। और अगर संसारी आदमी संसार करे, प्रहलाद महाराज भी संसार करा था ना, प्रहलाद महाराज संसार करा, और संत महात्मा चैतन्य महाप्रभु का जितना सारे पार्षद है उनमें ज़्यादातर अद्वैत गोस्वाई श्रीनिवास आचार्य जो हैं, जितना सारे है ना, शिवानंद सेन, सारे घर गृहस्थी संसार में है ना। लेकिन गृहस्थ संसार में रहते हुए भी प्रहलाद महाराज के ये जो कहना है, हर वक्त भगवान का संकीर्तन, भगवान का कथा लेकर संत महात्मा का संग रहना कीर्तन का साथ, इसमें संसारी जिंदगी, संसार संसारिक आदमी का जो जिंदगी है उसमें नुकसान नहीं हो पाता, उसमें सही ढंग से चल सक। बाकी जो आदमी जो संसार का आदमी है उन लोगों के लिए अमंगल हो जाता, उद्धार करने का कोई। जब गौरमंडल परिक्रमा, जब गौरमंडल परिक्रमा हो जाता ना, गौरमंडल परिक्रमा का बाद जब सारे आदमी प्रभुपाद का सामने प्रणाम करके अनुमति लेने की आ रहा है, प्रभुपाद कृपा करो हम लोग घर जा रहे हैं, सारे आदमी आ रहे हैं और प्रभुपाद को दंडवत कर रहे हैं और बोल रहे हैं प्रभुपाद हम जा रहे हैं, हम लोग घर जा रहा है, प्रभुपाद कोई उत्तर दे नहीं पाता, सिर्फ रोते रोते रह जाते। किस लिए? प्रभुपाद के अंदर में ये इच्छा है कि ये जो बद्ध जीव है, ये बद्ध जीव 5 दिन तक भगवान का धाम का परिक्रमा किया, संकीर्तन किया, महाप्रसाद मिला है, संतों का प्रवचन सुना, धाम परिक्रमा किया, संकीर्तन किया, अब फिर संसार में जाके फिर उसमें फंस जाएगा। इसलिए प्रभुपाद उत्तर नहीं देते, फिर बिल्कुल चुपचाप रोते रहते, क्या उत्तर दे। चैतन्य महाप्रभु का जितना सारे पार्षद है, अनुगत पार्षद है, ये सब पार्षद जय जय प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर से लेकर सारे हमारा गुरुवर्ग जो है, सारे चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है। पार्षदों का पहचान क्या है, कैसे हम समझेंगे ये पार्षद है, तो हर आदमी परिचय देंगे, हम भी गौरिया मठ का, हम भी पार्षद है, परिचय देंगे ना, इसका क्या प्रमाण क्या है, पार्षद कौन है, इसका बारे में सिद्धांत तो ये है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले, चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है, जगत का मंगल करो, जगतवासी को हमारा कथा बोलो, कीर्तन करो, आचरण करो, है ना, श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितम जैन भूतले, जिन महात्माओं के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का आचार आदर्श जगत में स्थापित होता है, प्रमाणित होता है, वो पार्षद है। भक्तिविनोद ठाकुर
चैतन्य महाप्रभु का बहुत पूज्य चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले और भक्तिविनोद ठाकुर आयला 200 साल पहले, फिर भी चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है भक्तिविनोद ठाकुर। किस लिए? गोलोक में है भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का साथ, इधर आया है, आगे भेज दिया, पीछे भेज दिया, आया माधवबिंदुपुरी पाद, आगे आया भगवान श्री कृष्ण आने का पहले भी देखो नंद बाबा आता है, यशोदा मैया आता है, पार्षद आता है, फिर कृष्ण भगवान चले जाने के बाद फिर दूसरा दोबारा बैच आता है। नरोत्तम ठाकुर गौरंग महाप्रभु को देखा नहीं, नरोत्तम ठाकुर गौरंग महा को देखा, देखा नहीं, नरोत्तम ठाकुर गौरंग महाप्रभु देखा नहीं, लेकिन गौरंग महाप्रभु का पार्षद है नरोत्तम ठाकुर, जिनके द्वारा जगत में चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का प्रचार प्रसार हो पाए उसको पार्षद माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है इसका बारे में चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बात सुंदर बताए, जे चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है ये पार्षदों का किसी का चरण का थोड़ा कृपा मिल जाए तो उसमें क्या होगा, स्वा ओपी तद गंधभाग भवेत, कुत्ता भी हो वो अगर चैतन्य महाप्रभु का किसी भक्तों का अगर सौगंध मिल गया तो उसका भी बेरा पार हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का कोई किसी पार्षद का अगर जरा सा भी कृपा मिल जाए, चैतन्य महाप्रभु का पार्षदों का किसी का कृपा मिल जाए तो उसका पार हो जाएगा बेरा। जैसे शिवानंद सेन, शिवानंद सेन जो परिक्रमा लेके जा रहा है कहाँ, नीलाचल धाम जा रहा है ना, शिवानंद सेन सारे भक्तों को लेकर नीलाचल धाम जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी संन्यास लेके नीलाचल धाम में है। उस समय में जाने का समय एक कुत्ता भी चल रहा है, एक कुत्ता शिवानंद सेन का जो पार्टी है चल रहा है, हरि का कीर्तन चल रहा है सब, उसमें एक कुत्ता भी चल रहा है। और अंतिम में एक जाएगा जब शिवानंद सेन भिक्षा के लिए गए, क्योंकि रसोई होगा ये लोगों को भोजन पानी चाहिए, जो जब वापस आया बोला कुत्ता को प्रसाद दिया, सेवक बोला हम भूल गया, कुत्ता के बारे में याद नहीं, कुत्ता कहाँ है, ढूंढा कुत्ता मिला नहीं, वो दुखी हो गया। शिवानंद सेन बाद में जब नीलाचल धाम में चैतन्य महाप्रभु का चरण में पहुंचा, गंभीरा मंदिर में पहुंचने का साथ साथ देखा वो कुत्ता कितना दूर 100-100 किलोमीटर पार करके चैतन्य महाप्रभु के चरण में आ गया। आ चैतन्य महाप्रभु टीले पे बैठकर उसको महाप्रसाद दे रहा है, कहो हरे कृष्ण बोल के दे रहा है। और वो कुत्ता और नहीं, उसका कोई खोज नहीं, चैतन्य महाप्रभु उद्धार करके उसको भेज दिया, चैतन्य महाप्रभु उद्धार करके उसको कुत्ता को भेज दिया वैकुंठ। दक्षिण भारत में 7 ताल वृक्ष, ताल वृक्ष जानते हो प्लम ट्री, 7 ताल वृक्ष को चैतन्य महाप्रभु एक एक करके आलिंगन किए और एक एक ताल वृक्ष वैनिश पूरा ऊपर चला गया, एक वृक्ष भी नहीं है, सारे एक एक करके 7 ताल वृक्ष को उद्धार करके छोड़ दिया। ऐसा करके भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद परमपूज्य केशव गोस्वामी महाराज परमपूज्य माधव गोस्वामी महाराज इसका खानदान में हरिकथा कीर्तनी सबसे बड़ा चीज है। एक मारवाड़ी व्यक्ति कलकत्ता मठ में रोज आखिर आके देखा परमपूज्य माधव गोस्वामी महाराज कथा बोल रहा है, सुबह में आया देखा कथा बोल रहा है, दोपहर को आया तो भी वो कथा बोल रहा है, शाम को आया कथा बोल रहा है। एक दिन गुस्से में आकर बोला महाराज जी एक बात पूछे, आप भजन कब करते हैं, सब हर वक्त कथा बोलते हैं आप। तो महाराज जी हाँ मुस्कुराया समझाया, ये मेरा चैतन्य महाप्रभु का सेवा है, नाम फाम तो रात को कर लेते और सारा दिन जब बद्धजीव आते हैं उन लोग एक एक करके उसका प्रश्न का उत्तर दो, उसको उसका बेरा पार करो, ये सेवा है।
अगर आप सोचो कि ये सेवा नहीं है, मौनी धारण करके बैठ जाना सेवा है, तो अलग सा बात है। पोपाद भक्तिविनोद ठाकुर परम केशव को सीमा, परम माधव को सीमा, क्या दरकार था? इतना बड़ा मंदिर किया, इतना सारे जगह मंदिर किया, क्या वो एक जगह बैठ के हरिनाम कर लेते? एक जगह बैठ के हरिनाम कर लेते और छोड़ते तो शरीर क्या नुकसान है? फिर भी नहीं किया। तो जो भी है आज यहां तक विश्राम दे। तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देहिनम सदा समुद्विघ्न धियाम सद्गृहाद हित्वात्वपातम गृहमंदकूपम वनम गत यद हरिमाश्रये वांछा कल्प दुर्वशी के पास सिंधु भवज पतितान पावन भवज। चलो ततस्था जीवों के बारे में काल आप प्रश्न किया था, ततस्था जीवों के बारे में ये लक्षण है। ततस्था जीव बीच में है, चतुस्था जीव का जीवात्मा का जो क्वालिटी है काल बताया था, ये क्वालिटी चिन्मय है। भगवान का शरीर का गठन, भगवान का तमाम शरीर का जो गठन है सारे चिन्मय है, उसमें कोई ब्लड एंड फ्लेश नहीं है, समझा। लेकिन ठाकुर जी बुका बनाने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध में दिखाया ठाकुर जी का भी खून निकल रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु व्याख्या किया सनातन गोस्वाई के सामने। जे महिषी हरण द्वारका से अर्जुनों का ताकत इतना है, लेकिन अर्जुन का सामने से जितना सारे गोप हरण करने हैं महिषी हरण, फिर कृष्ण भगवान का चरण में तीर लगाया, ये भी पता है, कभी व्याख्या हो तो सुनोगे, खून निकल आया, देखा ना। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताया सारे मायामय हैं टू मेक फूल ऑफ यू, तुमको बोका बनाने के लिए। समाज का आदमी हर वक्त तर्क करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया सनातन गोसाई को महिषी हरण लीला और कृष्ण भगवान का अंतध्यान लीला सारे मायामय हैं, जोग माया ने ऐसा किया। जोग माया, ये जोग माया का अरेंजमेंट है, जैसे आम आदमी समझ नहीं पाए, जो समझने का आदमी है वो समझेगा। बड़ा बड़ा संत महात्मा विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद जीव गोस्वामी सनातन को सब टीका टिप्पणी में लिखा है। और कोई आदमी बोलता है कृष्ण भगवान को तीर लगा था, कुरुक्षेत्र युद्ध में भी खून निकल आया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का शरीर या रामचंद्र का शरीर या कृष्ण भगवान का शरीर खून पसीना का नहीं है, ये जोग माया का एक अरेंजमेंट है। बाद में कभी समय मिले तो व्याख्या करें। भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर, भगवान श्री कृष्ण का या चैतन्य महाप्रभु का धाम सारे चिन्मय है। चिन्मय मतलब चेतन है। आपका जो छोटा सा आत्मा अंदर में है ना, जिसका व्याख्या किया था ना, बालग्रो भागस्व शतभागस्व शतधा कल्पितस्व च, इतना छोटा है, एक धूलिकण का भी बराबर नहीं, वो आत्मा आपका अंदर है, तभी आप चल रहे हो, सब काम कर रहे हो। तो ये जो आत्मा है आपका अंदर में है, आज चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर जो है वो चेतन वस्तु से बनाया हुआ है, समझा मेरा बात। कृष्णो ये शब्दों का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णो किस्मन कर्षण आकर्षण करके अपना साथ ले लेता है, आनंद देता है, नौ मना आनंद, कृष्ण आकर्षण करना, कृष्ण शब्दों का मतलब है आकर्षण करना, और ठाकुर जी अपना ओर खींचता है, आजा मेरा सामने। लेकिन होता नहीं क्यों, ये प्रश्न आता है, अगर आकर्षण ही करता है ठाकुर जी तो आकर्षित हम लोग क्यों नहीं होता है, कि क्या कारण है? इसका कारण है जीवों का ततस्था गठन का कारण, जीवों में बहुत पॉसिबिलिटी है, एक है माया भोगने का इच्छा और दूसरा है गुप्त रूप में भगवत सेवा करने का, क्योंकि भक्ति जो है ये कोई बाहर से खरीदने वाला चीज नहीं है, भक्ति
ऑटोमेटिकली अंदर में है, छुपा हुआ है। भक्ति को प्रकाशित करना ही भजन है। मेरा बात समझा? भक्ति को प्रकाशित करना नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो है अंदर में है लेकिन जीवों का अनुभव में नहीं आ रहा है। साधु संग हरिनाम हरिकीर्तन के द्वारा अनुभव में आ जाए, इसको बोलता है डिस्कवर, आविष्कार हो जाए। ना हमारा अंदर में था, हम समझ नहीं पाए। अभी जितना सारे बद्ध जीव है, कृष्ण अगर ऑल अट्रैक्टिव है तो कृष्ण का ओर क्यों नहीं जा रहा है, क्या कारण है? इसका कारण है जैसे एक पावरफुल मैग्नेट है और सामने एक लोहे का टुकड़ा है, एक लोहे का टुकड़ा और एक मैग्नेट, नेचुरली मैग्नेट लोहे के आकर्षण करे लेकिन देखा जाता आकर्षित नहीं हो रहा है, आकर्षित नहीं हो रहा। तो किसी ने सामने जाकर देखा ये आयरन का ऊपर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का एक मर्चा, लाल होता ना फेरिक ऑक्साइड का एक कोटिन, कोटिन पर गया। वो कोटिन पड़ने का कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है कैनॉट एंटर, समझा मेरा बात? इसलिए आकर्षित नहीं हो रहा है। वो फेरिक ऑक्साइड को क्लियर कर दो, उसका बाद देखोगे मैग्नेट। हर जीवों का सामने माया का एक पर्दा है, माया का कोटिन है, माया पर्दा, भगवान और जीवों का बीच में एक माया है। वो माया महामाया का जो माया है इसका बारे में ही गीता में भगवान ठाकुर जी बताया, मम माया दूरतया, हमारा माया पार करोगे ये संभव नहीं, लेकिन हमारा चरण में शरणागत हो जाए तो हो सकता। लेकिन एक बात इधर इधर एक क्वेश्चन आता है, ठाकुर जी का चरण में डायरेक्ट शरणागति सिद्ध होता नहीं, ठाकुर जी का चरण में डायरेक्ट अब शरणागत हो जाओ ऐसा होता नहीं, हर वक्त संत महात्मा गुरु वैष्णव का माध्यम में होना चाहिए। भगवत कृपा कभी भी बद्ध जीवों का ऊपर डायरेक्टली नहीं आ पाता, गुरु वैष्णव का माध्यम में आता है, ये नियम है। आज तक भी जो भागवत प्राप्ति किया, भागवत प्राप्ति और देखो वो गुरु वैष्णव का कृपा का इशारा हुआ नहीं। यहाँ तक भी सिद्ध महात्मा वो जगत में इच्छा करके आया, अवतीर्ण हुआ, वो भी गुरु ग्रहण करते हैं, समझा मेरा बात? यहाँ तक कि कृष्ण भगवान स्वयं है वो भी गुरु ग्रहण किया, चैतन्य महापे स्वयं गुरु ग्रहण, राम जी महाराज गुरु ग्रहण किया इच्छा करके, क्योंकि गुरु ग्रहण करे तो साम इसलिए भक्तिवंत को सिद्ध महात्मा है, बहुपात सिद्ध महात्मा है, माधव कृष्ण सिद्ध महात्मा, फिर भी गुरुचरण आश्रय बिना होता नहीं, इसको प्रमाण करने के लिए गुरुचरण आश्रय जरूरी है। गुरु वैष्णव का माध्यम कृपा हमारे ऊपर आएगा, इसलिए ये अवस्था। और ततस्था गर्थन में बहुत पॉसिबिलिटी रहता है, इस कारण एक तो है चिन्मय गठन के कारण और भगवान श्री कृष्ण से आए हैं ना, इसलिए जीव के अंदर में जैसे कृष्ण स्वयं भोक्ता है ना, एंजॉयमेंट अनंत ब्रह्मांड में एक भोक्ता है कृष्ण, तो बद्ध जीवों के अंदर में ही एक तो भोगने का वासना रह जाता है, समझा मेरा बात? जब तक ठाकुर जी का सेवा करते करते वो भोग वासना का निष्पत्ति ना हो जाए तब तक भगवत धाम में जाना संभव नहीं। भगवान कभी माया को मिलाकर आ नहीं सकता। किसी में अगर बोले ठाकुर जी मैं आपको कैसे प्राप्त करना संभव नहीं, आप माया मिला के आ जाओ मेरा साथ, ठाकुर जी माया मिला के आता नहीं, इसे परीक्षा देना पड़ता है, समझा मेरा बाप? जो भी है छोटा मोटा व्याख्या के आज अच्छा नहीं हुआ है। तटस्थ शक्ति जो जीव है इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? उत्पत्ति अभी बोला ना, ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया शास्त्र में, चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे चित सूर्य है ना, जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य से रे आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु ये उदाहरण सनातन गोसाई को दिया, कृष्ण चित सुर जो है कृष्णों से अनंत जीवराशि आया। तो ठाकुर बता
अभी इस्कॉन वगैरह में कैसे बता दो महाराज जी, क्या बता रहे? जो है भगवत धाम में था, वहाँ पे कुछ गलत करने से उसका इधर पतन होने से उसको यहाँ भेज दिया वो लोगों का ऐसे, ये तो एक कौन ऐसे बात ये है, वो लोग मासूम है, उनको पता नहीं है शायद हम। हाँ ऐसा है कि एक बात ध्यान देना, आप गीता पढ़ते हो ना, गीता में बताया यद ज्ञात्या न निवर्तन्ते तद्ध्यामं परमं मनः, जहाँ जाने का बाद दोबारा ये संसार में पतन संभव नहीं है। आने से कजी धाम में अगर होता तो धाम में से जीव का पतन संभव नहीं। इस विषय में मैं कम से कम 12 पन्ना इतना बड़ा बड़ा लिखा, उस वॉयस बनाया, यू कैन टेक इट फ्रॉम हिम। इंटरनेट में तो 5 चैनल में चलता ही है। आज का कथा अच्छा नहीं हुआ, किस कारण है? किसी ने मेरे को स्पर्श कर दिया माइक का बहाने में, प्रमाण देख लो, आनंद नहीं लग रहा है, कथा बोल रहा हूँ लेकिन आनंद नहीं, माइक का ठीक करने के लिए हमको स्पर्श कर दिया। मुश्किल है क्योंकि पूजा का जो टाइम में जो प्योरिटी है ना, हमको मेंटेन करना पड़ता है हर वक्त। हाँ जो बात है इसका बारे में हाँ बहुत विवाद हुआ आपको, विवाद का आइए काम करो, वो 12 पन्ना जो हम वॉयस किया 2 टाइम, एक बार फर्स्ट उत्तर दिया फिर सेकंड उत्तर दिया, और दोनों को उसका सामने प्ले करके सुना दो, बस चुप हो जाएगा, हो ही नहीं सकता भगवत धाम में अगर होता। लेकिन एक बात पक्का है, जीवों का अंदर में 100% पॉसिबिलिटी है धाम में जाने का, क्योंकि कृष्णो जो है कृष्णों का सेवा करना ही जीवों का धर्म है। इसलिए प्रभुपाद जी को पूछा गया जे व्हाट डू मीन बाय भक्ति, प्रभुपाद जी को डायरेक्ट पूछा गया, ज़्यादा बात सुनता नहीं, एक लाइन में बताओ व्हाट डू मीन बाय भक्ति। प्रभुपाद जी ने बताया भक्ति इज अ नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल, तुम्हारा आत्मा का स्वाभाविक वृत्ति जो है होनी चाहिए था, ये तुम्हारा भक्ति है। अब नेचुरल फंक्शन का मतलब, भक्तिविनोद ठाकुर उत्तर दिया, जैसे एक पानी, पानी हर वक्त लिक्विड रहता है, लेकिन पानी को अगर सब जीरो लेवल में ले जाओ वो सॉलिड हो जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर ये उदाहरण दिया, पानी का लिक्विडिटी एंड करल करलेस ऑफ दोज आर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी है ना, लेकिन अगर सब जीरो लेवल में जाए वो कठिन हो जाता, लेकिन ये कठिन जो सॉलिडिटी इसका प्रॉपर्टी नहीं है, स्वाभाविक प्रॉपर्टी है लिक्विडिटी। भक्तिविनोद ठाकुर ये उदाहरण दिया, जीवों का अंदर में ठाकुर जी का सेवा करना यही स्वाभाविक था, लेकिन माया का प्रभाव के कारण, माया का इतना प्रभाव के कारण बीच में जो माया का इंसुलेशन है ठाकुर जी का ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। हाँ स्वतः सिद्ध ज्ञान जीवों का अंदर में, जीवों का अंदर में स्वतः सिद्ध ज्ञान है ही है, जीवों का अंदर में गुप्त रूप में स्वतः सिद्ध ज्ञान 100% है, लेकिन प्रकाशित करना ही भजन है, प्रकाशित करना, उसको प्रकाशित कर देना, इसका नाम है भजन। जीवों का अंदर में स्वतः सिद्ध ज्ञान है, हाँ ये जो दोनों पॉसिबिलिटी है, एक तो है माया का और देख रहा है, काल बताया था बृहद अरण्य उपनिषद से, जैसे कि मछली पानी में खेल रहा है, भक्ति मठा को सुंदर कीर्तन में बताया, आर कैनो माया जाले पोरी ते छो जीवो मीनो, है ना कीर्तन, हे जीव रूपी मीन तुम किम माया जाल में फंसने के लिए दौड़ रहे हो, है ना, ये बताया। एक मछली पूरा नदी में घूम रहा है, एक तरफ आया तो देख रहा है चिन्मय जगत, एक तरफ देखा तो माया जगत, दोनों में किसी का तरफ चाहे तो उसमें फंस जाए, माया का तरफ जाए ना, भगवान मदद कर, भगवान एक बात है, भगवान अगर अपना विल को उसका ऊपर लगा दे तो इसमें लीला नहीं होता। भगवान बोल रहा है हम जीव को चेतन धर्म दिया, स्वाधीन कर दिया, हम चाहता है स्वाभाविक रूप से वो हमारे पास आ जाए, आई डोंट वॉन्ट, आई नेवर वॉन्ट टू पुट एनी मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रेशर ऑन
स्वतंत्रता दे दिया। ओ ठाकुर जी का मजा यही है, ठाकुर जी देख रहा है ये मैं स्वतंत्रता का कैसा मिसयूज करे और प्रॉपर यूज करे, जो मिसयूज करे हाँ यही बात है और कुछ नहीं। इस्कन वाले बोल रहा है बच्चा है सब, शायद पता नहीं उन लोगों का ना ना, वो लोग जानता नहीं ये तो बोलना ठीक से। हाँ जो भी है तो छोटा सा कीर्तन करके छोड़ दो, 2:25 हो गया।